बहुत ही प्यारा सिनेमा बना है ये, बहुत ही प्यारी स्टोरी है इसकी, और जैसा कि नाम है अर्धांगिनी वैसा भी आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा है, तो मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में, एक कुछ अलग करने को मिला। और जैसा कि हमारा फिल्म का जो नाम है अर्धांगिनी, इट्स अ फैमिली फिल्म, तो हमेशा शिकायत रहती है लोगों को कि परिवार के लोग नहीं जाते हैं देखने के लिए, हमारी महिला लोग नहीं जाती है देखने के लिए घर में, तो ये एक ऐसी फिल्म बनी है कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। मुझे सूरज से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट डे था वो थोड़ा सा होता है लोगों को समझने के लिए, बट हम लोग क्योंकि हम सबको ही काम करना था, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा सूरज का कि वो अपनी स्क्रिप्ट को लेके, अपनी काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस थे कि उनका इतना प्यार अपने काम के प्रति देख के, और हम लोगों ने हर एक सीन से पहले, हर एक चीज़ से पहले डिस्कशन करते थे कि बेटर क्या हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो करें, तो आज उसका ही आउटपुट इतना प्यारा दिख रहा है, केमिस्ट्री इतनी अच्छी दिख रही है, कोई मतलब देखेगा हम तीनों को तो नहीं लगेगा कि सूरज की ये फर्स्ट फिल्म है और हम लोग ऐसा कर रहे हैं, फिल्म देख के लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत ही प्यारा आउटपुट आया फिल्म का। आपके पहले तो शादी मेरी हुई थी, मेरी शादी पहले मेरे थे, अभी भी लग रहा है कि सेट पे ही है क्या? ऐसे भाग के शादी खैर चलो ठीक है, मैंने जो है वो है भी ठीक है, साई बैठने के लिए दे रही हूँ जगह, वही बहुत है ना, मेरा टाइम आएगा आएगा आएगा। ओके मैम, आप बोलो। देखिए अब जो भी कुछ जो भी हमारी बातें हो रही थी वो सब हंसी मजाक थी, जहाँ तक बात है सेट की तो बहुत ही अच्छा था वहाँ पे, क्योंकि अंजना जी ऑब्वियसली दोस्त है मेरी, सौतन बाद में वो पिक्चर में है बट वैसे बहुत ही अच्छी हैं, दोस्त हैं हम लोग, तो एक चीज़ ये चीज़ बहुत अच्छी है, सेट पे तीनों थे हम लोग कंफर्टेबली थे, काम बहुत वो अच्छे से हुआ, और सूरज जी मुझे कहीं से फील नहीं हुआ कि आपकी पहली पिक्चर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ में आए थे, एक्शन से लेके डांस से लेके एक्टिंग से लेके एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा और आई एम सो हैप्पी। अरे हम क्या कहेंगे, कहे तो आप रहे, अभी भी फंसा हुआ हूँ, वहाँ भी फंसे हुए थे, अभी भी फंसा हुआ मतलब ये क्या मतलब हुआ, अभी भी फंसा हुआ हूँ? चलिए मजाक अपनी जगह पे, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था, हमने सबने काम किया जम के, और अंजना जी जब बेस्ट एक्ट्रेस भोजपुरी की और शुभी जी दोनों लोग के साथ तगड़ी कंबाइन थी हमारी, हमने काम किया सुबह अंजना जी के साथ, उठा तो नींद खुला और काम पे, और फिर शाम को पैकअप होने के बाद सोने के बाद फिर सुबह जगा तो शुभी जी के साथ काम पे, तो सारी चीज़ें मुझे ये फील करा रही थी कि मैं पर डे जैसे संजय भैया के साथ, मतलब पर डे नए आर्टिस्ट जो जमे हुए हैं भोजपुरी के सबके साथ नींद खुली और नया चेहरा नया टैलेंट काम करने का वो चीज़, तो सबके साथ काम करने में मज़ा आया और मुझे चैलेंजिंग होता था कि मैं अपने आप पर कितना खरा उतर पा रहा हूँ, आपके सामने मैं अपना प्रेजेंटेशन कितना दे पा रहा हूँ, इनके सामने कितना दे पा रहा हूँ, इनका वो भरा भरकम डायलॉग्स लंबा तगड़ा और इतनी माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस और अच्छी लग रही थी ना, और सब कुछ बेटर था, मज़ा आ रहा था, और थैंक्स अ लॉट आप दोनों को दिल से, आप दोनों मोस्ट टैलेंटेड हो और कोऑपरेट इन्होंने काफ़ी किया, एक नए आर्टिस्ट के साथ होता था मतलब वो नर्वसनेस वो सारी चीज़ें हटा के कोऑपरेट करते थे हम लोग, डिस्कशंस करते थे कि इसे कैसे किया जाए इसे कैसे किया जाए, तो माइंड ब्लोइंग हाँ बेस्ट प्रेजेंटेशन बेस्ट हो सके तो कोऑपरेट और बहुत अच्छे से हुआ, और जिसका रिजल्ट आज है कि सबने देखा अपने देखा सबने देखा। बिल्कुल उनका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो इतना प्यारा है, तो उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप सोच सकते हो और भी कितने अच्छे और कितने इंटरेस्टिंग होंगे, जिसमें हमारी सारी यूथ हर एक एज के लोग जाके सिनेमा को देख सकते हैं, या आगे आने वाले सिनेमा से इससे रिलेटेड इस कंपनी से रिलेटेड सिनेमाज को देख सकते हैं, तो
ऑल दी बेस्ट। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर को भी, सूरज जी को, वो भी उनका नाम भी सूरज है, हमारे राइटर को जिन्होंने इतना अच्छा स्क्रिप्ट दिया। ना मैं पहले मैं तो क्वेश्चन खत्म हो गई, मैं कंफ्यूजन में ही थी, मुझे लगा एक ही सूरज है, बट बाद में अभी क्लियर हुआ जब डबिंग किया कि दो सूरज है, एक डायरेक्टर भी है और एक हीरो भी है, और एक बंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा है, चंदन नाम है जिसका, चंदन रेड्डी, वो मतलब दिखाई नहीं दे रहा, क्लास है हम लोगों को, किसी ने हैरान किया अगर पूरी तो चंदन जी ने किया है, लेकिन उन्होंने जो परेशान किया उसका रिजल्ट देख के अब अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं उतना चलता है। जो सबसे मेन चीज़ है इसकी वो ये है कि पिक्चरों की कहानियाँ, जो स्टोरी क्या है, ये लोग उसके ऊपर काम करते हैं कि हम लोग समाज को अच्छी पिक्चर दे, अच्छी कहानी दे, जिसको अपनी पूरी फैमिली के साथ आके हॉल में देख पाए। और जहाँ तक बात प्रोडक्शन हाउस है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गानों से लेके, स्टोरी से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, एवरीथिंग चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और जो पिक्चर की कहानी है, फैमिलियर है, तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद आई वो ये चीज़ है कि पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी है और हमारी सभी ऑडियंस के लिए है जी। एक्चुअली मैं इंटरवल के बाद तो मतलब रोना ही था मेरा, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी और बहुत ऑब्वियसली वो होने वाली बात भी है पिक्चर में, क्योंकि अंजना जी जो बैठी हैं साथ में, इन्होंने माय गॉड बहुत बुरा किया है पिक्चर में मेरे साथ में, उफ। मगर फिर भी जो पिक्चर की कहानी है, जो एंड है, इंटरवल के बाद में ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न है कि जो भी ऑडियंस होगी वो हॉल में सोचेगी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और एक आर्टिस्ट की अच्छी पहचान यही है कि वो इस टाइप से प्ले करे रोल को कि अच्छा लगे। द बेस्ट मैसेज जो है ना वो सब हस्बैंड्स के लिए इस फिल्म में, सब बोलेंगे अंजना जैसी ही वाइफ चाहिए बस। हेलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बोलेंगे ये वन मैसेज बता देती हूं, वो बोलेंगे शुभी जी इज द बेस्ट, बस पहले शादी हो जाए खत्म। नहीं नहीं, इसमें पता है क्या चीज़, जितनी पति होंगे वो एक चीज़ कहेंगे, शादी एक ही हो जो पहली हो, और दूसरी वाइफ तो कभी लाइफ में आए ही नहीं, लाइक अंजना जी। सबसे बड़ी चीज़ आप दोनों ने संभाल के रखा है, स्किप कीजिए अर्धांगिनी को। हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, जो अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा ना कि सीख क्या है, तो सारे हस्बैंड अंजना सिंह के किरदार से बहुत खुश है। हाँ, इनने आखिर में बोलेंगे अपनी वाइफ को जाके वो अर्धांगिनी देखो और अंजना सिंह जैसी बनो, अंजना सिंह जैसी बनो। एक चंदन है वो टेक लेता है।